हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक ऐसी तकनीक सीखना चाहते हैं जिसके सहारे कि दिन भर की स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन आपको छू भी नहीं पाएगी, जिससे आपकी नींद गहरी हो जाएगी, जिससे आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी इन्फेक्शन आपको छू नहीं पाएगा, और तो और जितनी भी साइकोसोमेटिक या 90% माइंड ओरिजिनेटेड डिजीजेज हैं वो ऑटोमेटिकली हील होने लगेंगी। हाँ, और तो और इस टेक्निक को करने में कुछ सेकेंड्स लगेंगे और आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। जी हाँ, यह है डीप ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पीयूष, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोसाइंटिस्ट और एक कीनोट स्पीकर। दोस्तों, जब मैं कोचिंग के फील्ड में आया तो मेरे पास बड़े बड़े क्लाइंट्स आने लगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस ये होती थी कि हर चीज़ आप लंबा प्रोसीजर बताते हो, हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स बताओ जिनको कि हम क्विकली आजमा सकें और जो हमारे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिजीज हील करने की, वो हील हो सकें। तो उसका सोल्यूशन ये है डीप ब्रीदिंग। दोस्तों, इसको मैं आपको करवाऊंगा भी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ, क्योंकि एक बार अगर इसके फायदे आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, पहले इसके हम साइंस को समझते हैं। जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, इसमें क्या होता है, CO2 जो कि हमारे लंग में है वो वॉश आउट होता है और हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। दोस्तों, ये जानने वाली बात है कि हमारा ब्रेन एक छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन 20% ऑक्सीजन ये कंज्यूम करता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है और उसके क्या प्रभाव होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर वन, जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके शरीर में इंडोरफिन्स रिलीज होते हैं। ये इंडोरफिन फील गुड केमिकल भी हैं, सेरोटोनिन की तरह ही, इससे कि आपका मूड अच्छा हो जाता है। और जब भी आपका मूड अच्छा हो जाता है तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तो बात ही नहीं है, इसके अलावा आपकी प्रोडक्टिविटी भी कई गुना बढ़ जाती है। इमेजिन करिए, आप एक अच्छे मूड में हैं, हिलेरियस मूड में हैं, आप पैशनेट हैं, तो आप अपने काम को कितना बेस्ट देते हैं, वो इसका फ़ायदा है। सेकेंड, इसका फ़ायदा ये है कि ये स्मूथ मसल्स जो भी हमारे बॉडी में हैं उसको रिलैक्स कर देता है। इस रिलैक्सेशन के कारण हमारे शरीर की जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो फेफड़े हों, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, वो सही से काम करने लगते हैं। और तो और आपके ब्लड वेसल्स, आर्टरीज में भी स्मूथ मसल्स हैं। इन स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन के कारण आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन होने लगता है। और इसकी संभावना भी है कि अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें, जो कि मैं बाद में बताने वाला हूँ, तो आपकी BP की गोलियाँ भी कम हो सकती हैं या छूट सकती हैं। नंबर टू, क्लीनिंग ऑफ द लिम्फैटिक सिस्टम। दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि हमारा लिम्फैटिक सिस्टम, एक्चुअली जो भी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें जो टॉक्सिन होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको निकाल कर बाहर फेंकता है, जिससे कि हम पॉजिटिव फील करते हैं, इनर्जेटिक फील करते हैं और हमारे शरीर की जितनी सारी पॉजिटिविटी है वो बढ़ती है। तो जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं उस समय में हमारे लंग का प्रेशर नेगेटिव हो जाता है और इस नेगेटिव प्रेशर के कारण जो भी लिम्फैटिक सप्लाई है वो हमारे हार्ट की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जो भी टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, वो सारी की सारी आपके हार्ट में आ जाती हैं और वहाँ से वो किडनी से फिल्टर होकर बाहर निकल जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तीसरी, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। दोस्तों, ये देखा गया है, रिसर्च ये कहता है कि जब भी आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है कॉर्टिसोल के रिलीज को कम करता है। इसके कारण आपका नेचुरल किलर सेल्स, आपका टी सेल्स, बी सेल्स, जो भी इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं और उसके अलावा जो भी ह्यूमरल इम्यूनिटी है या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये सारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। दोस्तों, याद रहे कि आपकी इम्यूनिटी ही है जो कि आपको डिजीज से लड़ने में भी मदद करती है और डिजीज होने को भी प्रिवेंट करती है। तो अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर ये चाहते हैं कि आप कभी बीमार ही ना पड़े, उसका सीक्रेट ये है कि आप अपने सेल को ऑक्सीजनेट करो। कैसे? डीप ब्रीदिंग से। नेक्स्ट है, इट रिलीव्स पेन। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कि टेंशन के कारण उनको हेडेक होने लगती है या फिर उनके घुटने में आर्थराइटिस है या फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है और उनकी इच्छा ये होती है कि उनका पेन कम हो, क्योंकि पेन किलर एक जानलेवा है जो कि आपकी किडनी को और लीवर को ख़राब करता रहता है। तो दोस्तों, जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं उस समय आपकी बॉडी में न सिर्फ इंडोरफिन बल्कि आनंदामाइड,
एंड बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि पेन किलर नेचुरल एनाल्जेसिक का काम करते हैं, और आप ये फील करेंगे कि आपकी एक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि आपके शरीर का दर्द, आपके शरीर की तकलीफें और जो आपके माइंड में टेंशन था वो धीरे धीरे कम होने लगा है। दोस्तों, इसका अगला इफेक्ट ये है कि आपके स्टैमिना को बढ़ाता है। दोस्तों, आज हम उस युग में रह रहे हैं जहाँ की एनर्जी टैलेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक टैलेंटेड आदमी की उतनी पूछ नहीं है जितनी कि उस आदमी की जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास स्टैमिना है। दोस्तों, जब आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका लंग एक्सपैंड करता है, उसकी जो ऑक्सीजन को स्टोर करने की क्षमता है वो बढ़ती है। इससे आप अपने ग्लूकोज को बर्न कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, और आप ज़्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं, ज़्यादा फुर्तीली रह सकते हैं, चुस्त रह सकते हैं, जॉली रह सकते हैं। ये फायदा है इसका। इसलिए मैं कहता हूँ कि डीप ब्रीदिंग को ज़रूर से ज़रूर आजमाएं। नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। दोस्तों, स्मूथ मसल्स पे मैंने पहले ही बताया कि जब भी आपके स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन के, आंतों के रिलैक्स होंगे तो ये संभावना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी हो, या फिर लीकी गट सिंड्रोम हो, या फिर डायरिया की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम आपके माइंड से भी रिलेटेड हैं, और ये सारी प्रॉब्लम स्मूथ मसल डिसफंक्शन ऑफ गट से भी रिलेटेड है। तो दोस्तों, डीप ब्रीदिंग से आप अपने स्मूथ मसल्स को ट्यून कर रहे हैं। इसके सहारे जो भी आपके इंटेस्टाइन की बीमारी है, चाहे वो हाइपर मोबिलिटी के कारण है, चाहे वो डिक्रीज्ड मोबिलिटी के कारण है, वो सारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं, आपका डाइजेशन अप लेवल पे चला जाता है, और आपकी एपेटाइट भी बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है। इसके अलावा जब आपकी बॉडी ट्यून्ड हो जाती है तो आप ये देखेंगे कि आप एक नेचुरली वेट लूज मैकेनिज्म में चले गए। आपका वेट ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड अमाउंट में होने लगेगा बिना किसी एक्सरसाइज के। सिर्फ आप इसको सुनकर चुप ना रह जाएं, आप इसको आजमाएं और आप इसके प्रूफ बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपके पोस्चर को भी करेक्ट करता है। दोस्तों, जब भी आप गहरी सांस अपने अंदर भरते हैं उस समय में आपका रिब केज एक्सपैंड करता है, आपका एब्डोमेन एक्सपैंड करता है, और इस एक्सपेंशन के कारण आपकी स्पाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। स्पाइन सीधी रखने के फ़ायदे मैंने पहले भी बता रखे हैं कि इससे आपकी एनर्जी अलाइंड होती है, और सेकंड इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका नर्वस सिस्टम एक सही रिदम में काम करता है, एक टोन में काम करता है, ये अपने स्वाभाविक स्वरूप में लौटने लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो फ़ायदा है वो है कि डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से हमारे शरीर में एक अल्कलाइन मीडियम क्रिएट होता है। दोस्तों, अल्कलाइन मीडियम का मतलब ये है कि हमारे शरीर की जो फ्लूइड है उसका एक पीएच है, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये 7.3 7.4 के आसपास है। जब भी आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो ये अल्कलाइन साइड में ट्रांसफ़र होने लगता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपके शरीर में जहाँ कहीं भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, जैसे कि स्किन की बीमारी हो गई, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, क्रॉन्स डिजीज़ है, जैसे कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आपके इंटेस्टाइन की, आपके लंग की, आपके लीवर की, आपके थायराइड की, ये सब पता चला है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से होता है, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा भी अगर आपको गम की प्रॉब्लम है, या फिर आपको पीठ दर्द है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दोस्तों, जब इसके इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना हम डीप ब्रीदिंग को अभी के अभी आजमाएं। तो चलिए, मैं आपको साइंटिफिक और मोस्ट पावरफुल एंड पोटेंट टेक्निक सिखाने वाला हूं। सो बी एक्साइटेड एंड गेट रेडी। आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं। आप चाहें तो लेटकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप खड़े हो जाएं। आप इसको किसी भी पोस्चर में कर सकते हैं। आंखें बंद, एक हाथ अपने पेट पर नाभि के एक इंच ऊपर रख लें और दूसरा हाथ अपने छाती पर। जो हाथ आपके पेट पे है, लेफ्ट हैंड, जब आप डीप ब्रीदिंग अंदर लेंगे तो ये ध्यान रखना है कि उस समय आपका नीचे वाला हाथ, मतलब कि जो हाथ आपके पेट पर है वो ही सिर्फ हिले, और छाती में लीस्ट मूवमेंट हो। मूवमेंट तो होगी ही, बट वो मूवमेंट कम हो। कहने का अर्थ ये कि आपका पेट गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए, और जब भी आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपकी पेट पचकना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि आपका डायफ्राम ही मूव करना चाहिए, चेस्ट के मसल्स में लीस्ट मूवमेंट्स होनी चाहिए। तो चलिए, अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं।
हम 5 राउंड प्रैक्टिस करेंगे, अभी आप अपने मूड को देख लें और उसके बाद आप देखना कि कैसे आपके साथ जादू होने वाला है। ओके, आंखें बंद करें, गहरी सांस अंदर लें, 2, 3, 4, 5, सांस को रोकें, 2, 3, 4, 5, छोड़ें, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, 2, गहरी सांस अंदर, 1, 2, 3, 4, सांस रोकें, 2, 3, 4, 5, सांस बाहर छोड़ें, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, 2, एक बार फिर से, गहरी सांस अंदर, 2, 3, 4, 5, रोकें, 2, 3, 4, 5, बाहर छोड़ें, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, 2, गहरी सांस अंदर, 2, 3, 4, 5, रोकें, 2, 3, 4, 5, बाहर छोड़ें, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, 2, सांस अंदर लें, 2, 3, 4, 5, रोकें, 2, 3, 4, 5, बाहर छोड़ें, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, 2। कहने का अर्थ ये कि इसको 5-5-5 के रेशियो में आपको करना है। जब भी आप सांस अंदर लेंगे तो 5 सेकेंड के लिए गिनती के साथ आप सांस अंदर लें, फिर 5 सेकेंड के लिए आप सांस को अपने अंदर रोकें और 5 सेकेंड में ही आराम से मुंह से, नाक से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, माउथ ब्रीदिंग इज़ बेटर, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो माउथ से करें और जब सांस अंदर लें तो नाक से लें, और उसके बाद 2 सेकेंड का पॉज करें, 5 सेकेंड्स इनहेल, 5 सेकेंड्स पॉज, 5 सेकेंड्स एक्सहेल एंड 2 सेकेंड पॉज। दोस्तों ऐसा करके देखिए और आप धीरे से अपनी आँखें खोलें, आप देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे कि आपके शरीर का टेंशन बिना किसी एफर्ट के रिलैक्स्ड होने लगा है। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आप थोड़ा अच्छा फील करने लगे होंगे, मोटिवेटेड फील करने लगे होंगे और आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ गई होगी। अभी आपके पास अगर मिरर है या फिर सेल्फी कैमरे में आप अपने चेहरे को देखें, आप देखेंगे कि उसमें एक मासूमियत है, उसमें एक आनंद है, और इनफैक्ट दोस्तों यही हमारा सच्चा स्वरूप है। दोस्तों मेरी तो ये कोशिश है कि मैं माइंड और मेडिटेशन को मिक्स करूँ, मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ लाऊं और आपके अंदर जो ग्रेटनेस छुपी हुई है उस ग्रेटनेस को आवाज़ दूं और आवाज़ देकर बाहर निकालूं। दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के ऐसे डीप कंसेप्ट आपके सामने लाऊं जिसके सहारे कि आप अपने अंदर के जीनियस को बाहर निकालें और लाइफ के पिच पर अपना बेस्ट गेम खेलें। दोस्तों अगर आप मेरे मिशन के साथ रेजोनेट करते हैं या फिर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो कमेंट लिखकर आप मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे कि मुझे ये पता चलता है कि मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये पसंद आई तो अपने दोस्तों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।